बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड लॉ की डिटेल्स देखी थी, इसको मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपको ये बताते हैं कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ आपकी बुक को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तमाम बुक्स के दरमियान टॉपिक्स के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस हो, कोई तब्दीली हो, तो हो सकता है तो हम वो तमाम डिटेल्स भी आपको इस लेक्चर के अंदर फराहम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर मुतालिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है, इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होती हैं, ये क्या क्या काम आपके कंप्यूटर में परफॉर्म करता है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की डिटेल्स देखेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे, और साथ के साथ मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगी। और डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि चैप्टर नंबर 6 तक आपकी तमाम थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों होगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कमांड लाइन इंटरफेस कैसा दिखता है, इसमें आप कैसे काम करेंगे, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा होता है और इसके अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल देखेंगे, जो कि अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम इसके अंदर इसके तमाम फीचर्स की डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये आपकी बुक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे होते हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और भी दूसरी चीजें, यानी जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उसके डिटेल्स आपको देंगे। और दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसमें आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाएंगे कि रिसाइकल बिन किस तरह से काम करता है, इस तरीके से माई कंप्यूटर को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल वगैरह, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको हम इस टॉपिक के अंदर देंगे। उसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, विच इज आइकन एंड टाइप्स ऑफ आइकन। दोस्तों, आपने बहुत दफा आइकन्स का नाम सुना होगा, तो इस लेक्चर में आप जानेंगे कि आइकन होता क्या है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस किस टाइप के आइकन आपको मिलेंगे। इसके बाद इवेंट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम माउस इवेंट्स और कीबोर्ड इवेंट्स की डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फाइल मैनेजमेंट। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह आपकी फाइल्स को मैनेज करता है, इसकी डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाएंगे। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे और आखिर में कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब के टॉपिक को कवर करेंगे, यानी आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। तो दोस्तों, ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आइए अब जानते हैं कि आपके बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टॉपिक है आइकन्स एंड टाइप्स ऑफ आइकन्स, ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। इसके अलावा इवेंट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इवेंट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक, यानी माउस और कीबोर्ड इवेंट्स की डिटेल्स जो है, ये सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। और आखिर में डिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक भी सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, ये वो तमाम तब्दीलियां थी जो कि आपके बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर मुझे नजर आई हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को का बाकायदा आगाज करेंगे इस टॉपिक के साथ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई, और साथ के साथ ये आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज फराहम करता है, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।